हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मिशन 72 के एक और वीडियो में, और आज से हम लोग करेंगे लाइन ग्राफ। आज से हम लोग करने वाले हैं लाइन। चूंकि आपने अच्छे से वीडियो देखा, बार हम लोग कंप्लीट कर लिए, साथ में पाई हमने कंप्लीट किया, और आपने पूरा भरपूर साथ दिया, मतलब पूरे अच्छे से किया आपने। ये दोनों पर हमने एक एक मॉडल भी दे दिए हैं, और आप मैक्सिमम लोगों ने, बहुत लोगों ने देखे हैं। आई होप आप लोग कर लिए होंगे उसको, और किसी मेरे दोस्त को उसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो आप जरूर कमेंट करें, उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए, तो आज से लाइन स्टार्ट करेंगे। ये 63वीं बीपीएससी में अभी अभी जो कुछ ही दिन पहले हेल्ड हुई है, तो उसका ये क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। उसमें दो लाइन का क्वेश्चन आया था, उसमें से एक आज हम करेंगे, और एक मंडे को एक और रात में आपको 10 बजे तक मिल जाएंगे। ठीक है, तो जरा इस लाइन को पढ़ें, क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में। महाराष्ट्र के एक शहर में यातायात का मुख्य साधन कार है। ठीक है, नीचे दिए गए लेखा चित्र में जनसंख्या वृद्धि तथा कार प्रयोग करने की वृद्धि की अवधि 2011 से 2016 तक के लिए दर्शाया गया है। ठीक है, लेखा चित्र का अध्ययन कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब एक बार लेखा चित्र देखेंगे, आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, पूरा लेखा चित्र आ रही है क्या? ठीक है, ये ऊपर 100 है, ऊपर 100 है। यहां देखेंगे, यहां पर मतलब 0, 10, 20, 40, 60। ठीक है, ठीक है, और नीचे यहां पर एयर दिया हुआ है। आपके पास ये बुक तो होंगे, आप के लिए ही मैंने ये बुक व्यवस्था किया है, तो इसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन गिवन हैं। तो आप कम से कम 40वीं के बाद से आपको करीब करीब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जितने भी लाइन ग्राफ के क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर जो गिवन है, इन ये जो भी यहां पर गिवन है, 0, 10, 20, इसके बाद वहां पर गिवन था, मैंने लिखा नहीं, यहां लिख लेंगे आप कि 0, 0, 0, मतलब 3 जीरो और आपको लगाना है। ठीक है, इसका मतलब हो रहा है कि 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा वो। और ईयर तो आपको दिख रहा है 2011 से लेकर के 2016 तक के। अब चले एक एक ग्राफ करके देखेंगे। यहां पर लिखा हुआ है, ये जो है मेल पॉपुलेशन, ब्लैक वाला ये जो सर्कल सर्कल है, ये मेल पॉपुलेशन है। मतलब 2011 की बात किया जाए, ध्यान से देखेंगे एक बार, जरा ग्राफ पढ़ लीजिए, बहुत आसान है। सबसे टफ अगर कोई इनमें डीआई में आपने महसूस किया होगा तो वो पाई है। ठीक है, पाई के बाद बार है, और सबसे आसान, मैंने सबसे आसान इसलिए इसमें रखा है क्योंकि अगर आपने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए हैं तो अब इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्लैक सर्कल जो दिख रहा है वो दिखा रहा है नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन। मेल पॉपुलेशन 2011 में, यहां देखेंगे आप, 2011 में, 2011 में 50,000 मेल पॉपुलेशन था, 50,000 मेल पॉपुलेशन था। सॉरी, यहां पर देखिए, ये मैं यहां आपको इंडिकेट कर रहा हूं, लेकिन यहां जो रेक्टेंगल वाला है ब्लू कलर में, वो क्या है, नंबर ऑफ कार। ठीक है, ये नंबर ऑफ कार आपको दिख रहा है, नंबर ऑफ कार। तो नंबर ऑफ कार 2011 में कितना था, 30,000 कार थे 2011 में। ठीक है, और ये क्या है, रेड कलर, तो रेड कलर है फीमेल पॉपुलेशन। तो 2011 में फीमेल पॉपुलेशन कितना था वहां, आप कहेंगे ये बीचों बीच दिख रहा है, तो 10 और 20 के बीच में दिख रहा है ना, ये देखिए ग्राफ, इसका मतलब कि ये 15,000 था। ठीक है, 15,000, गुड। तो एक बार आपने अच्छे से इसको पढ़ लिया, आप चाहें तो आपको याद होगा, अभी मैं पिछला जो वीडियो मैंने बताया था उसमें मैंने एक टेबल बना लिया था, अब उस टेबल में मैंने सारे लिख लिया था। तो आप चाहें तो लिखें, एक टेबल बनाइए, उसमें 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 लिखिए, और फिर लिखिए यहां पर मेल, फिर पॉपुलेशन ऑफ मेल, पॉपुलेशन ऑफ फीमेल, और नंबर ऑफ कार्स। ठीक है, और सब एक बार लिख लीजिए, बिल्कुल आपको लिखना चाहिए। ठीक है, आप मेंस के पेपर कर रहे हैं तो आपको ये लिखना ही चाहिए, अच्छा भी लगेगा, सॉरी, और आसान भी होगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 5 क्वेश्चन है, इस पे एक एक करके देखेंगे। बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि 2014 में यदि कुल कारों का 30% उपयोग, अब देखिए
कीवर्ड पकड़ेंगे 2014 तो पहुंच जाइए 2014 पे, ठीक है। अब बोल रहा है कुल कारों का, तो भैया बताइए कि 2014 में कुल कार कितना था। तो 2014 में कार कौन सा है, कार है ये वाला ब्लू वाला। कार कितना टोटल देखेंगे यहां पर 75, ये बीचों बीच है ना। तो आप कहेंगे कि 275,000, क्लियर है ना। तो आप कहेंगे कि 2014 में टोटल कार यानी कुल कार कितना था, 75,000, ठीक है। और उसका 30% प्रयोग महिलाओं ने किया, ठीक है। तो आप कहेंगे कि इतना का 30, देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, आपको अच्छे परसेंटेज निकालने आता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको डीआई बनने लगे हैं, बस एक एक क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है। इसका 30% महिलाएं यूज कर रही है। तो आप लिखेंगे अगले लाइन में, मैं यहां भले ही करवा रहा हूं, स्पेस कम यहां पर है, तो ठीक है। तो 30% यहां पर दो जीरो लगाएंगे, 30% आपने निकाला कितना हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो जीरो 5 3 15 और 7 21 और 1 22, मतलब 22,500 कार भैया 75,000 का 30% कितना हुआ, 22,500। तो 22,500 कार महिलाएं यूज कर रही है, वुमेन्स यूज कर रही है, ठीक है। जो महिलाएं हैं वो यूज कर रही हैं, महिलाएं, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रति महिला कितनी कारों का प्रयोग 2014 में हुआ। अब एक बात बताइए, टोटल कार इतना महिलाएं यूज किया किए, अब महिलाएं बताइए कि नंबर ऑफ महिलाएं कितने हैं। तो 2014 में नंबर ऑफ महिलाएं देखिए यहां पर 60,000, कितना है 60,000। तो 60,000, और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द पर कैपिटा यूज ऑफ कार बाय फीमेल्स इन 2014। तो महिलाएं द्वारा कितने किया गया, ये कार होगा 22,500 कार महिलाएं यूज कर रही हैं, ठीक है। और टोटल महिलाएं कितने हैं, 60,000 है ना। अभी तो हमने देखा कि 60,000 महिलाएं हैं 2014 में, महिलाएं कितने हैं नहीं दिख रहा है आपको, ये देखिए 60,000। तो 60,000 महिलाएं 2014 में। अब पर कैपिटा पूछ रहा है, तो आप सिंपली बता दीजिए कि कार 60,000 है, तो 60,000 डिवाइडेड बाय, देखिए यहां पर स्पेस कम है इसलिए मैं शॉर्टकट कर रहा हूं, लेकिन आप इस लाइन को बकायदे लिखेंगे कि पर कैपिटा या फिर मतलब महिलाओं द्वारा यूज किए गए कारों की संख्या, कहिए कि सब पर कार कितने महिला है ना। तो 22,500, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गए, अब हो गया 600 डिवाइडेड बाय 225, ये 15 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये होगा 15 चौको 60, मतलब 40/15, यानी कुल, और आप कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के 3 से समथिंग समथिंग पॉइंट में आ जाएगा, 15 2 30, 15 6 90, और फिर ऐसे चलते जाएंगे ना ये, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट मतलब ऐसे आप इनकम निकाल सकते हैं, सॉरी इतने नंबर ऑफ 2.66। आप ये देखिए यहां पर कैपिटा, हिंदी में कुछ और इंग्लिश में कुछ और, इंग्लिश में पढ़िएगा तो आपको स्पष्ट होगा, वहां पर कैपिटा बोला है ना। तो यहां पर हुआ कि से एक कार पे ऑलमोस्ट इतनी महिलाएं, अब इतनी महिलाएं से मतलब ये समझ लीजिएगा कि 100 अगर कार है, ये समझिएगा आप कि 100 कार है तो उस पर महिलाएं कितने होंगे, 266 पर कैपिटा के मतलब वही होता है, ठीक है। चलिए तो अब अगले क्वेश्चन पे चले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधि 2011 से 2016 के लिए कारों की संख्या में औसत प्रतिशत वृद्धि कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है। जरा एक बार देख ले, 11 से 16 में कारों की, ठीक है। यहां पर देखेंगे आप 11 में देखा आपने कि ये 11 है, 11 में कारों की संख्या कितना है 30,000, ठीक है। और फिर 16 में कितना दिखा रहा है 90,000, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया हमको। तो यहां बताया कि 2011 में लिखेंगे कि 2011 नंबर ऑफ कार्स इन 2011 कितना है, आपने देखा 30,000, ठीक है। और 2016
16 में ये कहां पहुंच गए, 90,000। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, औसत प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि बोल रहा है। तो एक बात बताइए जी, कितना वृद्धि कितना हुआ, बहुत आसान है ये तो। कहीं आप लिखेंगे कि वृद्धि, पहले तो बताइए कि वृद्धि कितना हुआ, तो भैया वृद्धि हुआ है 90,000 माइनस 30,000 इज इक्वल टू 60,000। अब ऐसे तो आप ऐसे ही बता दीजिएगा कि सर 30,000 का 100% कितना होगा, 30,000 है ना। अच्छा फिर से 100% कितना होगा, 30,000, मतलब कुल मिलाकर के 200% की वृद्धि हुई। तो आप लिखेंगे कि टोटल परसेंटेज इंक्रीमेंट या वृद्धि इंक्रीमेंट कितना हुआ, 200%। ठीक है, 200%। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां लिखा है उस वर्ष को ज्ञात कीजिए जब जब हटाइए, जिस वर्ष पुरुषों तथा महिलाओं का अनुपात सबसे अधिक था। अब देखिए यहां पर हम एक एक करके देखेंगे। यहां पर आपको कितने साल है, दो दो चार दो छह साल है, तो छह साल अलग अलग आपको सबको निकालना है। बिल्कुल सबको निकालिए, बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है। आपके पास पेपर है सफिशियंट। 2011 में देखेंगे, फिर 2012 में देखेंगे, फिर 2013 में देखेंगे, ऐसे ही पुश इट डाउन प्लीज। अब देखेंगे यहां पर, तो 2011 में 50 पुरुष, 50 मतलब 50,000 है, तो आप 1,000 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1,000 लिखिए नहीं लिखिए, तो 50 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, 2012 में 70 डिवाइडेड बाय 30, फिर 80 डिवाइडेड बाय 40, और उसके बाद देखेंगे आप तो एक से कम गया, लेस देन टू हो गया ना। ये इसका वैल्यू कितना होगा, लेस देन टू, लेकिन यहां तक ये इसका मतलब दो, और ये दो से ज्यादा ये भी है, 3 × 6 = 1/3, इसका वैल्यू इतना हुआ, और ये तो दो ही हो गया, और इसका बताइए 3 × 15 = 45, और फिर 0.333 चलते चले जाएंगे। ठीक है ना, 15 × 3 = 45, 5 × 0 = 15। ठीक है, अब एक यही तो पूछ रहा था कि उस वर्ष को ज्ञात कीजिए जिस वर्ष पुरुषों तथा महिलाओं का अनुपात सबसे अधिक था, तो किस वर्ष था, तो आप कहेंगे सर ये 2010 में, तो आप लिखेंगे कि अतः वर्ष 2011 में यह अनुपात कौन सा अनुपात, पुरुषों और महिलाओं का अनुपात सर्वोत्तम कितना, 3.333 था। ठीक है, ये आपका थर्ड का आंसर हो गया। चलिए एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4D, किस वर्ष में पुरुष जनसंख्या तथा शहर में कारों की संख्या का अनुपात न्यूनतम था। देखिए यहां पर, यहां न्यूनतम, वहां पर अभी पुरुष और महिलाओं का अनुपात पूछा था और महत्तम पूछा था, मैक्सिमम, यहां पर पुरुष और कारों की संख्या का अनुपात पूछा है और वो पूछा है न्यूनतम। चलिए वो भी देख ही लेते हैं, पुश डाउन प्लीज। तो ये मैंने लिख लिया है 2011, 12, 13, 14, 15 और 16 का। ठीक है, तो 2011 में नंबर ऑफ पुरुष कितना था, मेल 50,000 और 30,000 नंबर ऑफ कार। ठीक है, तो इसको अगर आप रेशियो बनाएंगे तो कितना हो गया, 5/3, ये हो गया 7/5, ये हो गया 4/3, ये हो गया 17/85 और 15/75, और ये हो गया 19/95, इसका लिख रहा हूं मैं, और 15/75, और ये हो गया जी 10/9। अब ये बोल रहा है कि इसमें आपको, मैं बता चुका हूं कैसे करते हैं, इसमें आपको न्यूनतम ढूंढना है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, पता चल जाएगा 5/5 = 25, यहां 25 × 7 = 21, तो ये हो गया छोटा जी, है ना। कैसे करते हैं आपको बताया तो था मैंने, 5/5 = 25 लिखिए इधर, जो बड़ा वाला है उसके तरफ लिखते हैं, ये देखिए 5 × 5 = 25, अभी 3 × 7 = 21 हुआ, विच वन आर ग्रेटर, ये ग्रेटर हुआ ना, इस तरफ 25 बड़ा है तो मतलब ये बड़ा हो गया, यानी कि ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया यानी कि छोटा हो गया, तो बड़ा वाला को छोड़ना है हमको, न्यूनतम ही पता करना है। अब इसमें चेक करेंगे ऐसे ही, 7 × 21 और 5 × 20, मतलब फिर से ये छोटा हो गया, तो इसको अब लेके चलेंगे, इसको भी छोड़ देंगे, ये दोनों में बड़ा हो गया ना जी ये। अब इस यहां पर चेक करेंगे, 15 × 60
और 70 या 51 फिर से ये छोटा दिख रहा है, ये छोटा हो गया। अब यहां पर चेक करेंगे, अब ये थोड़ा सा लेंदी है, मल्टीप्लाई में करता हूं ठीक है। तो यहां देखेंगे ये दोनों को मल्टीप्लाई किया 17 और 15 को तो 255 हुआ, और 19 और 15 को मल्टीप्लाई किया तो 285, यहां पर ये बड़ा हो गया सर। यानी इसको हमें छोड़ना है, अब इसको पकड़ना है ठीक है। अब ये और ये में कंपेयर कर देना है कि विच वन आर लेजर। तो 17 × 9 = 53 से 153 ठीक है, और 15 × 10 = 150। अब विच वन आर लेस, ग्रेटर हो गया ये बड़ा हो गया, मतलब सबसे छोटा इस समूह में 10/9 हुआ। तो आप कहेंगे कि 2016 में यह अनुपात न्यूनतम था, अतः 2016 में यह अनुपात न्यूनतम था ठीक है, क्लियर। चलिए अब दो क्वेश्चन और है, देखते हैं आगे। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। यदि 2012 में 60% कार्य पुरुषों द्वारा उपयोग की गई है, मैं तो चाहता हूं कि ई और एफ आप करें, लेकिन चलिए ठीक है मैं ही कर देता हूं, की गई। तो 2012 में कार का प्रयोग करने वाले पुरुषों और महिलाओं की, मैंने क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं किया, महिलाओं की प्रतिशत क्या है, महिलाओं की प्रतिशत क्या है, तो दोनों को अलग अलग बताना है प्रतिशत क्या है। मेरा मतलब यह है कि भैया 60% कार्य जो है पुरुष कर रहे हैं, तो आपको पता है कि 2012 की बात करेगा तो आपको 2012 देखना है कि 2012 में, यह है 2012, 2012 में पुरुष और महिलाएं और कार भी देख लेते हैं ठीक है। तो पुरुष कितने 2012 में पुरुष हैं, 2012 में पुरुष हैं जी 70,000 ठीक है, कार है कितना है 50,000 और महिलाएं हैं 30,000 ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 2012 में 60% कार है जो पुरुष चलाते हैं, तो 60% मतलब इसका 50,000 का 60% कितना हुआ, तो आप कहेंगे कि 6×5=30 सर, 30,000 कार जो है वो पुरुष चला रहे हैं, इसका मतलब 20,000 कार है जो महिलाएं चला रहे हैं। भाई स्पष्ट है ना, कार हैं जो 60% पुरुष चला रहे हैं, और 50,000 का 60% कितना हुआ 30,000, 6×5=30 30,000, तो 30,000 पुरुष चला रहे हैं कार, इसका मतलब कि रेस्ट ऑफ द कार इज ड्रिवन बाय फीमेल, तो 20,000 जो बच गए वो महिलाएं चला रही हैं। अब बस पूछ दिया है परसेंटेज, कितना परसेंट भैया, 30,000 महिलाओं का कितना प्रतिशत है जो 20,000 हैं, तो यही तो पूछ रहा है कि महिलाएं और पुरुष दोनों का परसेंटेज बताइए, तो पुरुष का परसेंटेज बताइए, पुरुष परसेंटेज और महिला परसेंटेज, बहुत आसान है। तो भाई मैंने फिर वही पोएम पढ़ना है अपने को कि 30,000 कारें हैं तो 70,000 पुरुष में से, अब कार ऐसा थोड़ी नहीं जी कि 5 लोग मिलकर के एक कार को चलाइएगा, एक कार के लिए तो एक ही ड्राइवर चाहिए आपको, तो 30,000 जो बंदे हैं वो कार चला रहे होंगे, तो 70,000 का, या फिर आप ऐसे निकाल लीजिए कि 70 का कितना प्रतिशत, यानी x% = 30 निकाल लीजिए, प्रतिशत के मतलब 100 × ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 10 यहां आ जाएंगे, मतलब x = 300/7 इतना परसेंट पुरुष हैं ठीक है। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो बिल्कुल लिखिए, लिखना चाहे नहीं आपको लिखना ही चाहिए, 7×28 = 20, 7×2 = 14 और 6/7% ठीक है, सही है क्या, 7×28 = 20, 7×2 = 14 ठीक है, इतना परसेंट पुरुष, ये हो गया पुरुष का परसेंटेज ठीक है। आप लिखेंगे बकायदे इसको अच्छे से, 42.6/7% पुरुष हैं जो कार चलाते हैं, और फिर महिलाओं के लिए ऐसे निकालेंगे कि भैया 30,000 का, या फिर 30 का सिर्फ 30 का कोई फर्क थोड़े पड़ेगा ना, 0 से 0 का, मान लीजिए यहां 30 मैंने 70,000 लिख दिया, यहां 30,000 लिख दिया, तो 3×0 = 3 तो कैंसिल आउट होना ही है, तो आप लिखिए 30 का कितना प्रतिशत, मतलब x% × x/100 = 20। चलिए 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, आप यहां पर लिखेंगे x = 200/3 तो कितना हो गया 66, मतलब 66.66%, तो महिलाएं कितना हो गया जी 66.66%, क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं,
आई होप आपको समझ में आया होगा। आप अगर दिक्कत है थोड़ी सी तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, और मैं इसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और प्लेलिस्ट तो आपको पता ही है, तो आप अगर नए हैं इस चैनल पे तो आप पूरा प्लेलिस्ट में जाइए, मिशन 72 के पूरे पाई का वीडियो और बार ग्राफ का वीडियो डली हुई मिल जाएगी आपको, और मॉडल पेपर भी मिलेंगे। एक मैंने किया भी है, दो दो मॉडल हमने किया भी है, और दो मॉडल के सवाल आपको दिया गया है, ठीक है। और वैसे तो इसका पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन मैं आपसे आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप इस पीडीएफ को प्रिंट आउट निकलवाने के बजाय आप थोड़ा हेल्प लीजिए, लेकिन आप अपने ही नोटबुक में बनाइए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2011 से 2016 तक शहर में कारों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो बहुत ही आसान सवाल है, 2011 से 2016 देखेंगे। यहां पर ये क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं लगता है कि जी पहले बार में। 2011 में कारों की संख्या 15,000, ठीक है, दिख रहा है ना। और 2016 में कारों की संख्या कितनी है? कितनी है? 85, ठीक है। कितना? 85 है ना। हाँ जी बिल्कुल 85, तो लिख लीजिए, बहुत आसान हो गया। तो भैया लिखेंगे 2011 में कारों की संख्या कब, 2011 में कितना रहा? 15,000, 15 रख लेता हूं मैं। और 2016 में ये हो गया कितना जी? 85, ठीक है। तो भैया कितना प्रतिशत वृद्धि हुई? तो आप बताइए, पहले तो बताएंगे वृद्धि, प्रतिशत तो बाद में, वृद्धि कितना हुई? 85 माइनस 15 मतलब 70, ठीक है। 70,000, यहां पर हजार हमने लिखा नहीं, लेकिन आप लिखेंगे, आप बकायदे लिखेंगे, यहां पर 3 जीरो लगाएंगे, यहां पर भी 3 जीरो लगाएंगे, यहां पर भी 3 जीरो लगाएंगे, यहां लगाएंगे 3 जीरो लगाएंगे, 70,000 है, ठीक है, ठीक है जी। तो ये 70,000 बढ़ा है किस पर? 15,000 पर। तो वही आपको प्रॉफिट एंड लॉस आप पढ़े हैं कि 70,000 गुने 100 बटे 15,000 मतलब प्रतिशत वृद्धि। ये क्या निकाला आपने? प्रतिशत वृद्धि 15,000, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो गया, आपको काटना है काटिए, 14 × 70 और 3 × 15 यानी कि 1400 बटे 3% की वृद्धि हुई है। आप इसको फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन हो गया, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो बिल्कुल लिखिए, 3 × 4 = 12, 2 जीरो 3 × 6 = 18, 2 जीरो 3 × 6 = 18, 2/3%, ठीक है। तो इतना प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ठीक है। आपने देखा चुटकी बजाती है, 5 क्वेश्चन कर लिया, मैं आपको समझा समझा के कर रहा हूं तो भी 22 मिनट में कंप्लीट, 20 मिनट में कंप्लीट होगा वीडियो, तो आप तो इसे 10 मिनट में अच्छे से करेंगे, बिल्कुल 3 पेज में करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, और चैनल को तो सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी 63वीं बीपीएससी का सॉल्यूशन लेकर के, मंडे को, ठीक है, मंडे को रात 10 बजे आपको एक और वीडियो मिलेगी, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग 62वीं को देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।